आगरा जनपद के एतमादपुर विधानसभा की यमुना पार का इलाका विगत कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के प्रयास से अब ट्रांस यमुना कॉलोनी, कालिंदी विहार, शाहदरा, नराइच, सीतानगर, प्रकाश नगर, पोइया घाट, कालिंदी विहार, नावकी सराय, फाउंड्री नगर, इस्लाम नगर, नगला रामबल आदि क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। विधायक के प्रयास से आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली 570 करोड़ रुपए की शुद्ध पेयजल योजना को मंजूरी मिली है। होटल पीएल पैलेस में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और एतमादपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि ये योजना अगले एक वर्ष में धरातल पर दिखने लगेगी, जिससे लोगों की कई वर्षों पुरानी समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि 80 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एमबीबीआर टेक्नोलॉजी का स्थापित किया जाएगा, जिससे एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के यमुना पार इलाके और एतमादपुर शहर को शुद्ध आरओ जल की आपूर्ति हो सकेगी। यमुना पार में लोग जल का व्यवसाय करने लगे थे, अपने घरों में समरसेबल लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है टैंक से बाल्टी के अनुसार लीटर के अनुसार पानी होता था और कई बार पानी को तो लड़ाई हो जाती थी। एक शेर है कि खून इस दौरे के रानी में बहुत सस्ता है, रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी का। आज की महंगाई के युग में खून सस्ता था और पानी महंगा था और ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो दूषित पानी से होती हैं। ये जो 570 करोड़ की योजना है इसमें यमुना पार, ये स्पेसिफिक फॉर यमुना एतमादपुर विधानसभा की यमुना पार इलाके के हैबिटेट के लिए है, जिसमें हम सीतानगर, शाहदरा, एतमादौला, प्रकाश नगर, नवलगंज, कच्छपुरा, पीला खान, ट्रांस यमुना फेज टू, नराइज, नगला जमुनी, नगला रामबल, कालिंदी विहार, नावकी सराय, रविनगर, फाउंड्री नगर, इस्लाम नगर की बस्तियों के सभी गांव जो हैं उसमें बहुत डिटेल है कि कितनी ये है, कितने किलोमीटर है, कितने ओवरहेड बनेंगे, कितने जलाशय बनेंगे, कितनी जलाशयों की संख्या अपग्रेड की जाएगी, कब तक की पॉपुलेशन के लिए 2050-55 तक के लिए किया है, माने अपने नातियों का भी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।